भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल कांकेर के बादल गांव पहुंचे। इस दौरान सीएम ने प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। वहीं मुख्यमंत्री ने बादल गांव के गौठान का भी निरीक्षण किया और वहां पर काजू का पौधारोपण कर पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान सीएम ने आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान छोटे बच्चों ने सीएम को ABCD सुनाई। सीएम भूपेश बघेल अपने दिलखुश मिजाज के लिए जाने जाते हैं। हंसी मजाक का कोई भी पल मुख्यमंत्री अपने हाथों से जाने नहीं देते। सीएम भूपेश का कुछ ऐसा ही अलग अंदाज कांकेर विधानसभा में देखने मिला, जहां बादल ग्राम की आंगनबाड़ी केंद्र में सीएम ने जब एक बच्ची को गोद में उठाया तो बच्ची ने उनके कुर्ते की कॉलर पकड़ ली। इस दौरान सीएम ने जमकर धमाके लगाए और कहा कि इसने तो मुख्यमंत्री की ही कॉलर पकड़ ली। इस दौरान सीएम ने बच्ची को अपने हथेली पर खड़ा किया और उसे चॉकलेट भी खिलाई। ऐसे में सीएम के खुश मिजाज अंदाज को देखकर वहां हर किसी के चेहरे पर मुख्यमंत्री कॉलर पकड़ ले छोड़ो। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का भारत जोड़ो यात्रा की बैठक पर बयान सामने आया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस देश की अनेकता में एकता को अभियान के रूप में चलाएगी, उसी को लेकर पहली बैठक की गई। ये अभियान 2 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने BJP पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, उसी तरह BJP जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई हुई थी, उसी प्रकार की पॉलिसी से आज भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है। तो आज जिस प्रकार से भारत की संस्कार, संस्कृति और हमारे इतिहास को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए आवश्यक हो गया है कि हम कांग्रेस पार्टी देश की अनेकता में एकता को विशेष तौर पर हम लोग अभियान के रूप में चलाएं। इंदौर में BJP जिला इकाई की ओर से राज्यसभा सांसद के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार का स्वागत किया गया। स्वागत समारोह कार्यक्रम में मंत्री तुलसी सिलावट और मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद रहे। खबर शहडोल से, जहां केंद्र में BJP सरकार का 8 साल पूरे होने पर BJP जिला इकाई की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह ने अपनी सरकार की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण केवल शब्द नहीं, हमारी सरकार ने धरातल पर उतारने का काम किया है। मोदी जी का जो सेवा का 8 साल जो पूरा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इसको बृहद रूप में हर एक जिले पे 15 दिन का एक कार्यक्रम बनाकर हर प्रकार के कार्यक्रम, स्वच्छता, पत्रकार वार्ता, महिलाओं के बीच में रोजगार, युवाओं के बीच में, और जो हमारे गांव-गांव जितने भी प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छता के तहत शौचालय का निर्माण, इन सब को लेकर हम लोग गांव-गांव, बूथ-बूथ स्तर तक जाने वाले हैं। मंगलवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम शिवराज ने पौधारोपण किया। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। सीएम ने कहा कि पहले वो रोज एक पौधा लगाते थे, लेकिन अब वो 3 पौधे लगाएंगे। साथ ही सीएम ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लोगों को पर्यावरण रक्षा की शपथ दिलाई।